सरयू पार कर ली। आइए माता श्री। हाँ। ध्यान से। इस ओर। बैठ जाइए। पिताश्री यहां बैठ जाइए। बस तनिक ही दूरी पर राजा दशरथ की अयोध्या नगरी है। वहां पहुंचने पर तुम्हें स्थान स्थान पर कुटियाएं बनी हुई मिलेंगी। ये कुटियाएं महाराज दशरथ ने यात्रियों की सुविधा के लिए बनवाई हैं। बड़े ही उदार और दयालु हैं हमारे राजा दशरथ। उनके राज में प्रजा बहुत ही प्रसन्न है। चारों ओर न्याय का बोलबाला है, शांति है, समृद्धि है। आप लोगों को वहाँ कोई कष्ट नहीं होगा। कोटि कोटि धन्यवाद, आपने हमें सरयू पार कराई। माते सत्तु दे दो। ये ले पुत्र। मेरे पास कुछ और तो है नहीं, थोड़ा सत्तु है, इसे रख लो। नहीं भाई नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तुमसे कुछ नहीं ले सकता। क्यों, आपने हमें सरयू पार कराई है ना? वो तो ठीक है, पर यदि मेरे पिता ने सुन लिया कि मैंने श्रवण कुमार से कुछ लिया है तो वे मुझ पर बहुत क्रोधित होंगे। अरे आपको मेरा नाम कैसे पता चला? मैंने तो आपको बताया नहीं था। फूल की सुगंध दूर से ही अपनी पहचान करा देती है। तुम जहाँ भी जाते हो तुम्हारी ख्याति तुमसे पहले पहुँच जाती है। सारा विश्व जानता है कि श्रवण कुमार अपने नेत्रहीन माता पिता को कंधे पर उठाकर तीर्थ यात्रा पर निकला है। मैं तुमको देखते ही पहचान गया था। तुम धन्य हो श्रवण, ईश्वर तुम जैसा सबको पुत्र दे। मैं तुमसे कुछ नहीं लूंगा। धन्यवाद बंधु, ये सत्य तो मैं आपको दे रहा हूं ना, आपने तो मुझसे नहीं मांगा। मेरी नैया में तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे चरणों की धूल रह गई है। ये धूल सोने चांदी से भी अधिक मूल्यवान है। मेरी काठ की नैया पावन हो गई है। आज के दिन को मैं सदैव स्मरण रखूंगा। मैं आपका आभार कैसे प्रकट करूं? भगवान आपको सुखी रखे। चलिए माताश्री। हाँ। संभल के इस ओर बैठ जाइए। संभल के माताश्री, सत्तू रख लीजिए। हाँ। चलिए पिताश्री, संभल कर इस ओर बैठ जाइए। संभल कर करता हूं माता श्री। जुग जुग जियो बेटा। चरण स्पर्श करता हूं पिताश्री। चरणजीवी भव पुत्र, जो तीर्थ यात्रियों पर कृपा करते हैं वह भी तीर्थ के पुण्य के भागी हो जाते हैं।
मैं आप लोगों के दर्शन पाकर धन्य हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रवण धन्य हो, तुम धन्य हो। सुंदर कुटिया है। चलिए माताश्री, भीतर चलते हैं। अच्छा पुत्र, संभल कर। संभल कर, यहां ऊंचाई है। आइए बैठ जाइए यहां पर। हाँ। संभल कर पिताश्री, मुझे दे दीजिए। संभल कर, यहां ऊंचाई है। आइए आइए। यहां पर बैठ जाए, संभल कर। अरे यहां तो सारी सुविधाएं उपलब्ध है। पुत्र, हमारा रोम रोम तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है। भगवान हमारे भाग्य में नेत्रों का सुख भी लिखता तो हमको ये आनंद ना मिलता जो तुम जैसा पुत्र पाकर मिला है। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे। मुझे पूरे संसार का धन कोष मिल भी जाता तो भी वो संतोष नहीं मिल सकता था जो आप दोनों की सेवा करने से मिला है। भगवान आप दोनों को सदा जीवित रखे और मैं इसी प्रकार आप लोगों की सेवा करता रहूं। और तो सारे तीर्थ हो गए पुत्र, बस काशी बाकी रह गया है। शिव की काशी के दर्शन हो जाएं तो हम धन्य हो जाएंगे। बस एक दिन विश्राम करके हम लोग कल ही चल देंगे। पुत्र, गला सूख रहा है, थोड़ा जल ले आते। मैं अभी लेके आता हूं। हम कितने भाग्यवान हैं देवी के हमें श्रवण जैसा अनमोल रत्न मिला है जिसकी चमक से सारा विश्व चमचमा रहा है। मैं सदैव ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि हमारी आयु भी उसे लगे। ये राजा दशरथ अपनी प्रजा का कितना ध्यान रखते हैं, है ना? तीर्थ यात्रियों के लिए कितनी सुंदर कुटिया बनाई है। हाँ,
शब्द बेदीवार चलाकर मैंने कोई अनर्थ तो नहीं कर दिया? हे ईश्वर, अब मेरे माता पिता का क्या होगा? कौन कराएगा उनको तीर्थ यात्रा? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैंने किसको हानि पहुंचाई थी? मैंने तो आज तक किसी के साथ ऊंचे स्वर में बात भी नहीं की। हे भगवान, क्षमा कर दो युवक, क्षमा कर दो। मैंने तो मृग समझकर वाण चलाया था। मुझे क्या पता था कि मेरा वाण मृग को नहीं, एक कोमल हृदय को अपना आखेट बना लेगा। मुझसे अनर्थ हो गया युवक। अब पश्चाताप से क्या होगा? आप केवल यह बता दीजिए कि आप कौन हैं? मैं अभागा अयोध्या का राजा दशरथ हूं। मैं आपके दर्शन पाके धन्य हो गया, धन्य हो गया राजन। हे महाराज, मेरी आपसे एक विनती है। कहो वत्स। विनती नहीं, आदेश करो, आदेश करो। मेरे माता पिता प्यास से व्याकुल है। मैं उन्हीं के लिए जल लेने आया था। उस जल पात्र में जल भर चुका था। आप जल पात्र ले जाकर मेरे माता पिता की प्यास बुझा दीजिए। विलंब हुआ तो वो प्यास से मर जाएंगे। अभी जाता हूं वत्स, अभी जाता हूं। नहीं जानता कि उनका सामना कैसे कर पाऊंगा, किंतु मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। राजन कहो वत्स, आप राजा हैं। आपके पास साधनों की कमी नहीं है। मैं ये मेरे अंतिम क्षण है। माता पिता की सेवा करने का मेरा संकल्प मन में रह गया। एक मरते हुए पुत्र की एक और विनती मान लीजिए। कहो वत्स, कहो। मेरे माता पिता का कोई आश्रय नहीं है, वो भटकते रह जाएंगे। हे राजन, कृपा करके उन्हें आश्रय प्रदान कीजिएगा। अवश्य वत्स। मेरे अतिरिक्त वृद्धावस्था में उन्हें कोई और लाठी भी उपलब्ध नहीं है। हे राजन, उनके जीविकोपार्जन का प्रबंध अवश्य। वत्स, वत्स। जीवन में पहली बार मुझे अपने आप से घृणा हो रही है।
बहुत देर हो गई, श्रवण अभी तक जल लेकर नहीं लौटा, जाने कहां रह गया। मैंने किसी की चीत्कार सुनी थी, ईश्वर करे सब कुशल हो। मत करो ऐसी अशुभ बातें, वन यहां से दूर है इसीलिए किसी वंचर के आक्रमण का भय नहीं। और फिर राजा दशरथ की अयोध्या के लिए तो सुना है कि लोग अपने घरों के किवाड़ बंद नहीं करते, सो चोर और लुटेरों का भय भी नहीं। तुम्हें किसी चीत्कार का भ्रम हुआ होगा, हमारा पुत्र बस आता ही होगा। आ गया मेरा पुत्र, कहां रह गए थे पुत्र, हम तो व्याकुल हो उठे थे। तुम जानते हो क्षण भर के लिए भी तुम हमसे दूर हो जाते, हम व्याकुल हो जाते हैं। मेरा प्यास से कंठ सूख रहा है, चल लाए हो ना। बोलते क्यों नहीं पुत्र, क्या बात है। पुत्र तुम ठीक तो हो ना। प्रिय श्रवण, तुम जानते हो कि हम नेत्रहीनों के लिए तुम्हारी वाणी ही मार का दिया भी है और लाठी भी। तुम्हारी वाणी सुनकर तो हम मार्ग पर चल पाते हैं, तुम चुप हो जाओगे तो हम दोनों तो भटक कर रह जाएंगे। हम अंधों से क्या भूल हो गई पुत्र, जो हमसे रूठ कर चुप हो गए। देवी, जाने क्या बात है जो मेरा पुत्र मौन हो गया है। अब मुझसे रहा नहीं जाता, मैं देखता हूं क्या बात है। कौन हो तुम कौन हो। मैं आपका अपराधी। ये कौन है जो स्वयं को अपराधी कह रहा है। देवी, मैं अयोध्या नरेश दशरथ हूं। राजा दशरथ हमारे अहोभाग्य, किंतु हमारा श्रवण नहीं आया, वो हमारे लिए जल लेने गया था। जल तो मैं आपके लिए ले आया। और हमारा पुत्र श्रवण, उसे मैं नहीं ला सका। क्यों, कहाँ है वो। आपका पुत्र पशु के धोखे में मेरे बाण से। नहीं, नहीं, नहीं। तूने मेरे पुत्र को मार दिया। तुमने मेरे पुत्र को पशु की भांति मार दिया। नहीं देवी, पशु की भांति नहीं, पशु के धोखे में। सरयू तट पर मैंने एक ध्वनि सुनी और बिना सोचे समझे शब्द भेदी वाण चला दिया और आपका पुत्र। हाय मेरा श्रवण, हाय मेरा पुत्र, हाय पुत्र, तू हमें भटकने के लिए छोड़कर कहां चला गया। हम दोनों नेत्रहीन कैसे जिएंगे, किसके सहारे जिएंगे, किसके सहारे जिएंगे हम दोनों। हाय श्रवण।
जब हम जीते थे तू हमें अपने कंधे पर लिए फिरता था, अब हम मर भी जाएंगे तो हमें कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। ईश्वर ये क्या हो गया, नेत्र नहीं दिए थे तो कान भी न दिए होते, श्रवण को देख नहीं पाए तो मरने का समाचार भी न सुनते, हम अंधों का संसार उजाड़ कर क्या मिला तुम्हें राजा दशरथ, क्या मिला क्या मिला। हमने तो सुना था कि तुम बड़े न्यायी हो, बड़े प्रजापालिक हो, फिर तुमने हमारा पुत्र हमसे क्यों छीन लिया। अब हमें काशी कौन ले जाएगा। मैं ले जाऊंगा आप दोनों को काशी, आपके पुत्र की बात। अरे जब पुत्र ही नहीं रहा तो काशी जाकर क्या करेंगे। मैं आपका अपराधी हूँ, अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, आप जो चाहे दंड दे मुझे। अरे दंड देने से क्या होगा, तुमने तो हमें जीते जी मार दिया, दंड देने से हमारा पुत्र वापस तो नहीं मिल जाएगा ना। दंड तो हम नहीं देंगे पर श्राप देकर अपना कलेजा अवश्य ठंडा करेंगे। नहीं हे दशरथ, जिस प्रकार तुमने हमारे बुढ़ापे की लाठी छीन कर हमें दुख दिया है, जाओ उसी प्रकार एक दिन तुम भी अपने पुत्र वियोग में तड़पोगे, पुत्र वियोग में तड़पोगे, तुम भी इसी प्रकार पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। हमारी पार्टी तुम्हारा पुत्र भी छीन जाएगा। मेरी बात तो सुनो। अब क्या सुनना है और क्या कहना है, जो नहीं सुनना चाहिए था हमने वो सुन लिया, और जो नहीं कहना चाहिए था हमने वो कह दिया। स्वामी स्वामी, नहीं भावना को समझ रहा हूं और उसका आदर भी करता हूं। मैं जानता हूं कि श्रवण और उसके माता पिता की मृत्यु ने आपके हृदय को एक गहरा आघात पहुंचाया है, किंतु महादेवी धीरज धरने के अतिरिक्त और किया ही क्या जा सकता है। कैसे धीरज धरूं, जग में ऐसी संतान जन्म ही कहां लेती है, माता पिता का ऐसा भक्त प्रतिदिन तो जन्म नहीं ले सकता। बेचारा श्रवण कल तक एक सत्य था और आज एक कहानी बन चुका है, किंतु यह सुंदर कहानी संसार कभी भूल ही नहीं पाएगा महादेवी। एक ऐसी कहानी जो हर पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को उदाहरण के रूप में सदैव सुनाती रहेगी, जो संसार को सदैव प्रेरणा देती रहेगी और हर संतान को अपने माता पिता की सेवा का उचित मार्ग दिखाएगी। ये सत्य है कमल नयन, किंतु मुझे ये देखकर और भी दुख हुआ कि पुत्र की मृत्यु का समाचार माता पिता एक क्षण के लिए भी सहन नहीं कर सके।
न जाने इसमें विधाता का क्या खेल है। हाँ देवी, वैसे तो तीन तीन मृत्यु की घटनाएं देखने में बड़ी क्रूर दिखती हैं, परंतु यदि ध्यान से देखा जाए तो यह विधाता का खेल नहीं दिखता, ये तो विधाता का एक सोचा समझा हुआ निर्णय दिखाई देता है। महादेवी, मैं समझी नहीं सर्वेश्वर। महादेवी, यदि पुत्र की मृत्यु के उपरांत नेत्रहीन माता पिता जीवित रह जाते तो कदाचित उनका जीवन और अधिक दुखमय हो जाता, या जाने उन्हें कब तक भटकना पड़ता, द्वार द्वार की ठोकरें खानी पड़ती। हे महादेवी, विधाता ने उन्हें इन समस्त संभाव्य संकटों से बचा लिया। किंतु अयोध्या नरेश दशरथ ने यह वचन दिया था कि वो श्रवण कुमार के माता पिता को तीर्थ यात्रा कराएंगे, आश्रम देंगे, एक पुत्र की भांति उनकी सेवा करेंगे। जानता हूँ महादेवी, जानता हूँ कि दशरथ दयालु हैं, न्यायप्रिय हैं, वचन निभाने को अपना धर्म समझते हैं, परंतु ये भी उतना ही सत्य है महादेवी कि एक पुत्र का स्थान कोई और ले ही नहीं सकता। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा था महादेवी कि विधाता ने जो भी किया उचित ही किया। अब तो मुझे भी यही लगता है कि संभवतः यही ठीक हुआ, परंतु हे कमल नयन, एक चिंता अभी भी मेरे मन को घेरे हुए है। क्या मैं आपकी चिंता का भागीदार बन सकता हूँ महादेवी? आपके अतिरिक्त और कौन बन सकता है? कमल नयन, मुझे चिंता ये है कि बिना सोचे समझे शस्त्रों का प्रयोग करना कहीं मानव की प्रवृत्ति न बन जाए। मैं समझ गया महादेवी, आपका संकेत महाराज दशरथ के उस शब्द भेदी बाण की ओर है जो श्रवण कुमार की मृत्यु का कारण बना। मैं भी यही कहना चाहती थी कमल नयन। महादेवी, जब तक मानव ये नहीं समझ जाता कि शस्त्रों का सर्वप्रथम कार्य आत्मरक्षा है, दूसरों पर आक्रमण करना नहीं, तब तक ऐसी घटनाएं घटती ही रहेंगी। और महादेवी, यदि शस्त्र ऐसा हो जो लक्ष्य को देखे बिना ही चलाया जाता हो, तब तो मनुष्य को और भी सतर्क रहना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि ऐसे घातक शस्त्रों से जितने दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है। मैं आपसे सर्वथा सहमत हूँ महादेवी, दशरथ को भविष्य में और भी सतर्क रहना होगा। ऐसा काज न कीजिए करके जो पछताए, बाण धनुष से छूट के कभी ना वापस आए। अपनी करनी से अगर दूजे को दुख हो, जीवन भर सुख ना मिले मन में पीड़ा हो, मन में पीड़ा हो। जो सुने चल